हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर अड्डा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है फ्रेंड्स अपन को टाइम मैनेजमेंट में, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर जो आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि आपको वही चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, आपको हर क्वेश्चन में बहुत कम टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और वही क्वेश्चन पेपर अगर आपको मैं घर में ला कर दे दूँ तो आप बहुत आसानी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो रहती है वो आपको टाइम को लेकर ही होती है। तो अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन बनाने को ज़्यादा टाइम लगेगा, और वही अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स आजमाते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लिए, तो वहीं पे आपका जो टाइम आप यूज़ कर रहे थे वो बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, आप एक बार वीडियो को रोकिए, आप उसको एक बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करने के बाद में अपना कितना ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, उससे स्टार्ट करते हैं कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, एंड ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज, और एक अकेला ए जो है वो उस काम को 18 दिनों में करता है। तो इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन डू इट, तो कितने दिनों में अकेला भी उस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक चीज़ बस ये देखते हैं, यहाँ पर आपको दी कौन कौन सी चीज़ है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर आपका कितने दिनों में, 12 दिनों में काम कर लेंगे, इसको मान लीजिए आप एक्स, ठीक है। और आपका ए अकेला कितने दिनों में वो काम करता है, यहाँ पर 18 दिनों में काम करता है, इसको मान लीजिए आप वाई, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि बी कितने दिनों में अकेले पूरा काम कंप्लीट करेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मान लिया आपने, दोनों दिनों को जो डेज आपके दिए हुए हैं आप उसको मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है। तो आप बी का काम पूरे कितने दिनों में वो काम करेगा वो निकालने के लिए आप सबसे पहले एक्स एंड वाई का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों के डिफरेंस को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आप बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है एक बी कितने दिनों में काम करेगा वो निकालने के लिए। तो आप दोनों को यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक्स आपका कितना है 12 है, y आपका कितना हो जाएगा 18, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। आप इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 36 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस दोनों के जो भी आपकी डेज दी हुई हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के डिफरेंस से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपका निकल जाएगा कि बी अकेले वो काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 12 डेज। यानी कि आपको यहाँ पर ए और बी, एक काम करेगा 3 दिन में, वही काम बी और सी करेंगे 9 दिन में, और वही काम सी और ए मिलकर करेंगे 12 दिन में। तो आपको निकालना है, फाइंड द टाइम इन विच ए बी एंड सी कैन फिनिश द सेम वर्क। तो उसी काम को ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आप ये निकाल लेंगे, आपको यहाँ पर भी डेज दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 डेज है, यहाँ पे 9 डेज है, और यहाँ पर आपका कितना हो गया 12 डेज है। इसका फॉर्मूला आप देखेंगे, 2 एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आप यहाँ पर किसी को भी एक्स वाई और जेड मान सकते हैं, लेकिन आपको तीनों यूज़ करने पड़ेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन इसको इस फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, अगर 3 को एक्स मान लें तो यहाँ पर 3, अपन वाई मान रहे हैं 9 को, और उसके बाद में जेड की जगह अपन पुट करेंगे क्या 12, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12 पुट करेंगे, उसके बाद में एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स आपका 3 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 12 प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3। आपने बस इस फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज को क्या किए हैं, पुट किए हैं, उसके बाद में आप पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 बाई
नाइन। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अगर आप किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर पूरा पूरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, प्लस आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन इतना ही होगा, इससे ज़्यादा इजी कैलकुलेशन नहीं होगा वहाँ पे, प्लस आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड करना है, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में है, इफ सिक्स मैन और एट वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 86 डेज, हाउ लॉन्ग विल 14 मैन एंड 10 वुमेन टेक टू डू द सेम वर्क। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर एक चीज़ बस ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर यूज़ किया है और का, ठीक है। तो सिक्स मैन यानी कि 6 आदमी, या फिर यानी कि यहाँ पे एंड रहता तो वो सब क्या कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे और है तो दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में, 86 यानी कि 86 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। सिक्स मैन और एट वुमेन यानी कि 6 आदमी या फिर 8 औरतें उस काम को 86 डेज में कंप्लीट कर रही हैं। तो फिर 14 मैंस एंड, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये सब साथ में काम कर रहे हैं। 14 मैन एंड 10 वुमेन टेक टू डू द सेम वर्क, वो उन लोगों को 14 आदमियों और 10 औरतों को वही काम करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको बस यहाँ पे सिक्स मैन हो गया जो आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर और लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एट वुमेन हो गया आपका, और वो काम करे कितने, 86 डेज में, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद में आपको पता करना है 14 मैन 10 वुमेन उसी चीज़ को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो आप बस यहाँ पर एक चीज़ फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे इसको भी आप एज अ फॉर्मूला ही देखेंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, 6 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा, 86, और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करना है, आप इनका बस क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 6 इंटू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 इंटू 14, इतना करना है आपको, कैलकुलेशन करना है, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 86 इंटू 6 इंटू 8 60, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। तो आप इसको अगर पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24 डेज। यहाँ पर एक चीज़ बस क्वेश्चन को देख के आपको ये समझना है कि 6 आदमी या फिर 8 औरतें एक काम को 86 डेज में कर रही हैं, तो आप उसको वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद में आपको 14 आदमी और 10 औरतें वो काम में दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे आपको वो निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाली रो को आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और नीचे में जो दो क्वांटिटी आपको मिली हुई है, गिवन है, उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 2 डेज एंड 3 बॉय कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कम्प्लीट द सेम वर्क बाई 10 मैन एंड 3 बॉयज। यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो 5 आदमी जो हैं एक काम को 2 दिन में करते हैं, वही 3 बॉयज़, 3 लड़के जो हैं एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन टू कम्प्लीट, अब उनको कितना टाइम लगेगा 10 आदमी और 3 लड़कों को उस काम को ख़त्म करने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिमेंट है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर इतना फॉर्मूले लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर आपको क्या क्या क्वांटिटीज़ दी हुई हैं बस वो लिख लीजिए। 5 आदमी जो है वो कितने दिनों में काम करते हैं, 2 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। वहीं 3 लड़के जो हैं कितने दिनों में काम करते हैं, 5 दिनों में काम करते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको कितने का टाइम निकालना है, कितने दिनों में निकालना है, 10 आदमियों का और 3 बॉयज़ का निकालना है। इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कीजिए, 1, ठीक है। इसको यहाँ पर आप कर देंगे डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ पर इसको रिवर्स कर दीजिए, 10 5 इंटू 2 कर दीजिए प्लस 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद में 3 इंटू
5। बस आप इस जो भी आपको गिवन है उसको आपने फॉर्मूले में रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 मैन थे जो 2 दिन में काम करते थे, 3 बॉयज जो थे वो 5 डेज में काम करते थे पूरा, ठीक है। तो आपको आप मैन से मैन को कंपेयर करेंगे, ऊपर जितने का आपको निकालना है टाइम वो आ जाएगा, ठीक है। नीचे में आपको जो डेटा गिवन है वो आ जाएगा, बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 1/5। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 डेज, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 10 मेंस एंड 3 बॉयज जो हैं उस काम को 5/6 डेज में ख़त्म करते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कर दीजिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को रोकिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप देखिए कितना टाइम आपको लगता है, उसके बाद में आप इस फॉर्मूले से जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क ही टेक्स 14 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर अगर देखें तो ए जब अकेले काम करता है तो उसे 16 दिन ज़्यादा लगते हैं, किससे, जब ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं तो, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ए और बी जो है वो एक्स दिन में काम कर रहे हैं, तो जब ए अकेला काम करेगा तो उसे 16 दिन ज़्यादा लगेंगे, यानी कि एक्स प्लस 16 डेज लगेंगे। उसी तरीके से बताया गया है बी अलोन टेक्स 9 डेज मोर टू टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। अब ए प्लस बी एक काम को अगर एक्स दिन में करते हैं तो बी को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर एक्स प्लस 9 डेज लगेगा, ठीक है। तो अब आपको निकालने बोल रहा है व्हाट टाइम ए एंड बी टुगेदर विल टेक टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। तो अब ए और बी टुगेदर इस काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कितने दिन ज़्यादा लगा रहा है, 16 डेज, ठीक है, और ये कितने दिन ज़्यादा लगा रहा है, 9 डेज। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 3, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 12 डेज, ठीक है। ए प्लस बी आप दोनों इस काम को करने के लिए 12 दिन लेंगे। ये इसका शॉर्ट ट्रिक था, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप बस उनके डेज को मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स पे जाके आप लिख दीजिए, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फ्रेंड्स।